ना उसके बाहर डाल दिए, गिर नहीं जाए, छलांग मार दे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मुझे दो दिन से बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, मतलब बता नहीं सकता। दो दिन से रात में मैं 3-3 बजे सो रहा था, वो मतलब सही से नींद नहीं ले पा रहा था, क्योंकि अभी सभी दोस्तों वगैरह में, भाइयों वगैरह में मिले हुए थे रक्षाबंधन की वजह से। तो अभी नींद ही नहीं आ रही थी, उनसे हम बात बात कर रहे थे। तो अभी आज तो भाई साहब मैंने पूरी थकान ख़त्म कर दी। सुबह 12 बजे उठ गया, 12 बजे उठाऊँ और फिर नहा धो के अभी ब्रेकफास्ट हो रहा है मेरा। अभी ब्रेकफास्ट करके अभी मुझे जाना है पोस्ट ऑफिस, जो कि कुछ कागज़ हैं उन्हें जमा करने आना है मुझे। तो वो जस्ट अभी हम नाश्ता करके फिर जाते हैं। सो फाइनली काम कंप्लीट हो गया पोस्ट ऑफिस का, वही सबसे बड़ा मतलब मुझे परेशान कर रहा था। दो दिन से सोच रहा था आज करूँ आज करूँ, मतलब आज टाइम मिला तो आज हो ही गया। और ये भी बहुत है कि आज हमारे यहाँ ट्यूसडे के दिन कोई भी चीज़ खुली नहीं रहती, बस गवर्नमेंट था वो पोस्ट ऑफिस, इसलिए वो खुला रहा। सही है, हो गया कंप्लीट आई होपली। तो अब बहुत ज़्यादा मतलब थकान हो गई वहाँ से आने के बाद, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि पैदल पैदल गया और पैदल पैदल आया। पापा ने बाइक तो दी नहीं, इस चक्कर में तब पैदल ही आना पड़ा। अब देखते हैं, खाना वगैरह खा के फिर सोता हूँ मैं, तो अभी बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। सो गाइस, अभी बहुत मस्त मौसम हो रहा है और हम सो के जस्ट छत पे आते आ रहे थे, क्योंकि मम्मी वगैरह है ही नहीं, किससे बात करूँ अकेले अकेले बैठा हुआ था। तो अभी अवनी वगैरह भी है नहीं है, अवनी भी कहीं घूमने गई हुई है अपने डैडी के साथ, तो अभी वो भी नहीं है। तो छत पे आया तो काफ़ी मस्त मौसम हो रहा है, देखो एकदम ठंडी ठंडी हवा और अच्छा लग रहा है, अलग ही मतलब व्यू आ रहा है यहाँ से सामने का, जो कि ग्रीन ग्रीन हो गया पूरा। अभी मैं छत पे आता हूँ, जब जब ऐसे ही देखता है ये, क्या देख रहा है भाई इतनी देर से, मतलब मैं खड़ा हुआ हूँ ना, वीडियो बना रहा हूँ तब से ये देख रहा है मुझे, अब तो नीचे देखने लगा। और फिर दोनों पैर उसके बाहर डले हुए हैं, जो कि रेलिंग होती है ना उसके बाहर डाल दिए, गिर नहीं जाए, छलांग मार दे। नहीं वैसे सेफ्टी, देखो भाई फिर देखने लगा, भाई ब्लॉग बना रहा हूँ तेरा, ऐसे मत शर्मा। अपनी अभी स्कूल वाला फील लेने के लिए अपनी, देखो काय में खाना खा रही है टिफिन में, ये अभी ये देखो, अभी इसको टिफिन को खोल के उसमें पराठे रखे हुए हैं, जो कि सुबह मामा आए हुए थे तो उनका टिफिन है। बर्गर है जी, बर्गर। क्या है जी? बर्गर। बर्गर नहीं है जी, पराठे हैं, पराठे और अचार। देखो अभी स्कूल वाला फील ले रही है, क्योंकि स्कूल तो जा नहीं पा रही है, तो अभी इधर से मतलब कोशिश कर रही है कि ये स्कूल वाला फील आए। नहीं वो नहीं खाएंगे, आप ही खाओ। आग बंद करो, आग बंद कर ली, आप भी करो, प्रेयर करो, खाने से पहले प्रेयर कर देना। अच्छा हाँ, गैस ने आके बंद कर ली, आप भी कर लो। देखो आँख बंद नहीं करी इसने, झूठ बोल रही है। हाँ तो बंद हो गया, लंच फिनिश हो गया, ब्रेक हो गया आधे घंटे का। तो अभी हम बहुत देर से बैठ के पढ़ने लगे हैं, जो कि ये देखो, और पापा जी हमारे लिए खाना रख गए, कह रहे हैं खाना खा ले वरना ठंडा हो जाएगा। तो अभी हम 8:30 बजे का टाइम हो गया, तो आज जल्दी खाना खा रहे हैं, वैसे कि मम्मी वगैरह है नहीं, मम्मी होती है तो हम काफ़ी, मैं तो काफ़ी लेट खाता हूँ, जैसे कि 10:30 बजे के टाइम पर इतनी देर हो जाती तब जाके खाता हूँ, आज तो बहुत जल्दी खा रहा हूँ। और मेरे बाल तो यार काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं, तो अभी कल तो मुझे पक्के में कटिंग कराना पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे आ रहे हैं, तो सिर दर्द कर रहे हैं इनके कारण। मेरा तो मतलब बाल यहाँ पे आने लगे ना तो सिर दर्द करने लग जाता है, अभी जाके छोटे छोटे कराने पड़ेंगे। बस आज मेरी जो एडिटिंग करता हूँ ना ईयरफोन्स लगा के, मतलब वो मेरी ख़राब हो गई, मतलब मैं उनके ऊपर बैठ गया और जो वायर होता है ना उसका, वो खिंच गया और टूट गया। तो अभी मैंने मतलब जो लैपटॉप में लगाने का, जो कि कंप्यूटर वगैरह में लगाते हैं, वैसे ही पड़ा हुआ था, मैंने कहीं कनेक्ट कराया है तो ठीक ही है, तो मोबाइल में कनेक्ट कर गया, मतलब आवाज़ वैसी नहीं आ रही जो कि लैपटॉप वगैरह में आती है लगा के, वैसा भी इस वगैरह नहीं आ रहा। खैर काम चल रहा है सही है, और इसमें इतना बड़ा कुछ है तो ये ख़राब हो गया था, जो खोल के मैंने सही किया। अब एक आध दिन मैं आऊँगा, अच्छे ईयरफोन लेके आना है, देखो अभी इसका जी ऊपर डला हुआ है, मतलब काम चला रहा हूँ। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय फ्रेंड, बाय।